पहले तो स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारा स्वागत कर रहे हैं। और हमारे कैरेक्टर का बोलने का जो तरीका है वो ये है कि हर बात में वो तल्लुई जो देवी है उसका बहुत भक्त है, बगैर पढ़ा लिखा इंसान है। और सब कुछ को जो भी नियति में घट रहा है ना, उसको ऊपर वाले पे छोड़ देता है कि अगर हम भूखे हैं तो क्यों भूखे हैं, तल्लुई देवी हमसे खुश नहीं है, अब सब तल्लुई माँ की कृपा है, उसी का प्रकोप है, वो नाराज है तो हम भूखे हैं, वो खुश होगी तो हमारी भूख दूर हो जाएगी। हमें लड़ना नहीं आता है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, ना ही हम किसी को मारना, हम डरते बहुत हैं कि हम नहीं चाहते आप हमें मारें। ये इस तरीके का इसमें चरित्र जो है वो है। और इसमें अनूप, ये चरित्र को करने का मतलब मुझे जो मुझे खुशी मिल रही है कि जस्ट जंगल के से अपोजिट है इसमें। करेक्टर का नाम क्या है? दत्तू, दत्तू नाम है इसका। और इसमें बाकी जितनी भी, जब हम पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो जहां विचारों की लड़ाई, जहां आदर्शों की लड़ाई, जहां करप्शन, जहां सिद्धांतों की लड़ाई आपस में, अपने अधिकार एक दूसरे से मांगने के, जहां और इधर आधुनिक एज आ चुकी है, जहां कंप्यूटर एज शुरू हो गया है, वहां इस अभी भी जहां हम शूटिंग कर रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे हम दत्तू प्ले कर रहे हैं। तो दत्तू उन आदिवासियों में ही एक, उन आदिवासियों का ही एक चरित्र है। और वो आदिवासी सारे हम लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं है, वही लोग जो ओरिजिनल लोग हैं उनके साथ हमें रहना उठना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ कि मैं उनके बीच का एक हिस्सा हूँ और उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी तरीके से। पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें कोई निगेटिव शेड नहीं है। यहाँ तक कि अभी जब हम इस चरित्र कर रहे हैं और उसके बाद हम जब सोचते हैं कि ऐसे भी कैरेक्टर क्या अभी हैं, तो यहाँ आने के बाद जब वो उन आदिवासियों के बीच में शूटिंग हो रही है तो उसमें एक नहीं दत्तू, उसमें सौओं से, सैकड़ों से दत्तू मतलब देखने को सामने मिल जाते हैं। भाषा की जीना बहुत मुश्किल है मालिक, वो नहीं कि जैसे टूटी फूटी हिंदी जो बोल पाता है, जो मुश्किल से निकल जाए तो कभी कभी झटके भी कि देख लीजिए अब क्या बताएं, मतलब कोई विशेष कुछ भी इसमें कोई डायलेक्ट यूज नहीं किया,